गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? यस डियर एस्पायरेंट्स, अपुन का कोई बैचमेट है संजना शिबा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, हियर एवरीवन, हियर ऑन द सेम पेज, कैन वी स्टार्ट विद द लेक्चर? सो इफ यू आर एमिंग फॉर सीयूईटी पीजी, यू वांट टू बी अ टॉपर, सो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म एट द राइट टाइम। जस्ट only thing which is required is your consistency and determination to target the examination. Good evening everyone, good evening. ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी, सब आ जाइए। ओके, लिंक को शेयर कर दीजिए। कल की क्लास से कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ध्यान रखिए, हमारा जो बैच चल रहा है इट इज टारगेटिंग CUET 23। ये किसको टारगेट किया जा रहा है? CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन 2023। तो जो भी सोच रहे हैं कि हम बायोलॉजी फील्ड से हैं, है ना, आप सभी बायोलॉजी फील्ड से हो, डेफिनेटली इस चैनल पे आए हो, तो आपका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लेने का सपना हो, चाहे आपका जेनेटिक्स में लेने का सपना हो एडमिशन, चाहे सेलुलर या मॉलिकुलर बायोलॉजी में, या आपके कोर सब्जेक्ट्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक इंट्रेंसिक पार्ट है। ठीक है, किसी भी कोर सब्जेक्ट्स पे चले जाइए या अप्लाइड सब्जेक्ट्स पे चले जाइए, बैचलर्स डिग्री के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हर एक स्टूडेंट पढ़ता है, तो वही चीजें हम पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग शुभम, त्रितु, मोहम्मद, शोएब, सत्या, गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्विकली ज्वाइन इन द सेशन, आई होप यू हैव लाइक द सेशन एवरीवन, सो दैट वी कैन बिगिन विद। सो यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी वर टॉकिंग अबाउट द आइसोलेशन ऑफ द जीनोमिक डीएनए। आई होप माय स्लाइड इज विजिबल टू यू। वी वर टॉकिंग अबाउट द आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए एंड देन वी हैव आइडेंटिफाइड द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वी हैव यूज्ड अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। The same restriction enzyme I have used for the vector and we have performed restriction digestion and we have performed what? We have performed restriction digestion and then after mixing what we have done? We have ligated it. So as to obtain what? We have ligated it so as to obtain a chimeric DNA or a recombinant DNA. What have I obtained? I have obtained a chimeric DNA or a recombinant DNA. कैसा DNA मिल गया है? Chimeric DNA मिल गया है या हमें recombinant DNA मिल गया है? ठीक है? Yes. Hello Mantu. कैसे हो? रजनीश जी जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जरूर आएगा। ठीक है, चलेगी भाई, चलेगी, रुको जरा, सबर करो। हेलो प्रखर, हेलो, है ना, चलेगी, पर आपको अभी आरडीटी पढ़ना है। हाँ सैयद इजहार ने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइव व्यूअर्स कितने हैं और हमारे पास लाइक्स कितने हैं। पहली बात तो लिंक को जल्दी से शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ूं तो देखो, स्टेप वन वॉज आइसोलेशन ऑफ द ट्रांसजीन एंड द वेक्टर एंड देन लाइगेटिंग सो एज टू मेक अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। सो एज टू मेक व्हाट? सो एज टू मेक अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल और अ काइमेरिक डीएनए मॉलिक्यूल विच वॉज फॉलोड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज इंसर्शन इन टू अ सूटेबल होस्ट सेल, दैट मे बी अ बैक्टीरिया। सो इफ दिस इज द बैक्टीरिया एंड दिस इज द फॉरन डीएनए विच इज कैरिंग आर जीन ऑफ इंटरेस्ट, which is carrying R gene of interest, as you can see here, this is carrying what? R gene of interest, and then it is introduced here. That is called as transformation. That is called as what? That is called as transformation. ठीक है? अगर मैं बात करती हूँ, then these transformed cells will be selected. These transformed host cells will be selected. Means there will be some bacteria which have not intaken the recombinant DNA. There will be some bacteria which have actively taken up the foreign DNA. So we will select them. We will screen them. And finally, we can what? We can express them or multiply them. So on the basis of what we are making their protein or we are just maintaining their multiple copy number, vectors can be also of different types. Vectors can be also of what types? They can be also of
different types, clear? They can be also of which types? They can be also of different types. Yes. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अभी हम. तो हमने यही डायग्रामेटिकली देख लिया है, ये बना सी, हमने मिक्सिंग करी, फिर हमने डीएनए लाइगेज डाला जो टी फोर डीएनए लाइगेज से हम आइसोलेट करते हैं, फिर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मिले, फिर हमने क्या कर दिया, इन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया और रिकॉम्बिनेंट्स को फिर हम सिलेक्ट कर पाएंगे. रिकॉम्बिनेंट्स को हम फिर क्या कर पाएंगे एवरीवन, सिलेक्ट कर पाएंगे. कुछ इस तरह की कंडीशन हुई. नेक्स्ट अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या कर रहे हैं हम, अब हम देखेंगे क्या कि कैसे हमारा जो डीएनए है, कैसे जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है उसको हम एज अ वेक्टर या क्लोनिंग व्हीकल यूज करते हैं. ठीक है, कैसे उसे एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं. तो देखिए वेक्टर्स, व्हाट आर वेक्टर्स, दे आर क्लोनिंग व्हीकल्स, दे आर कैरियर्स, दे विल कैरी द ट्रांस जीन और द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल. व्हाट इज अ वेक्टर, अ वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल विच कैन कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट और अ ट्रांस जीन और अ फॉरेन जीन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म. इट इज यूज्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ फॉरेन डीएनए इन द होस्ट सेल. ठीक है, तो वेक्टर क्या किया जाता है, ठीक है ना मैसेज जी, आपको आईएफएस के बारे में बहुत पता रहता है. हाँ ये मैसेज जी, जरा नाम बताना अपना, केसी सर को जब आना होगा आ जाएंगे, है ना जी, बताइए क्या काम है केसी सर से आपको तुम लोग भी कम नहीं हो. हाँ चलो, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल वेक्टर, है ना, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल वेक्टर. चलो स्टार्ट करें भाई, आइडियल वेक्टर कौन होना चाहिए, है ना, आइडियल स्टूडेंट कौन होना चाहिए, मैसेज हिमांशु वर्मा, आइडियल स्टूडेंट कौन होना चाहिए, कोई भी चलेगा. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट, है ना, क्लास में थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे, है ना, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करे, ना कि सिर्फ क्रैम्प अप करने की कोशिश करे. सो दैट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट, है ना, थोड़ा डिटर्मिंड हो, कंसिस्टेंट हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो. सो जैसी एक क्वालिटीज होती है उसी तरह से वेक्टर को वेक्टर क्यों बोले, उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है. तो सबसे पहली बात तो वो अपने आप से रेप्लीकेट करना चाहिए, उसे किसी और की सहायता नहीं चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड बंदा होना चाहिए वेक्टर, है ना, ठीक है. हाँ अगर स्मॉल इंसर्ट को भी कैरी कर रहा है अष्टम, काम तो कर रहा है ना, काम तो कर रहा है ना. हाँ सचिन बिल्कुल सही बात है, पंचुअल हो. सैयद इजहार क्या पूछ रहे हो कि आपके हिसाब से कौन आइडियल है, जो कंसिस्टेंट और सेल्फ डिसिप्लिन्ड है वो सबसे आइडियल है. ठीक है, पढ़ते रहो, निरंतर नदी की तरह बहते रहो. सो इट शुड रेप्लीकेट ऑटोनॉमसली, मतलब कि दिस इज, ये सीधे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं. ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर शुड बी स्टेबल इन द होस्ट एंड इट शुड बी एबल टू रेप्लीकेट विद इन द होस्ट ऑटोनॉमसली, सेल्फ केपेबल होना चाहिए वो. ठीक है, इट शुड बी लेस देन 10 KB इन साइज. जनरली इफ आई से अ वेक्टर विल बी मोर स्टेबल इन साइड द होस्ट इफ इट इज लेसर इन साइज. व्हाट इफ इट इज lesser in size, it should have a suitable marker gene. Which genes act as marker gene? Come on, quickly, है ना? Quickly. Sayyad ji, everyone who is connected with me are really good students. Okay, so connecting and then again coming on the time is really a tough thing that you all people are doing. So I'm really very happy to have students like you. चलिए ठीक है, आ जाओ इधर. कहाँ बोला मैंने, इट शुड हैव सूटेबल मार्कर जीन. विच जीन्स एक्ट एज मार्कर जीन, यस वेरी गुड श्रद्धा गुप्ता, दे कैन बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लाइक एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, दे कैन बी व्हाट, दे कैन बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन.
Vector should consist a unique target site and recognition sites for various restriction enzyme. मतलब कि इसके पास क्या होना चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, क्या होनी चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस. ओके है ना. लेट्स बी लिमिटलेस को बहुत पढ़ी है दूसरों के बारे में, तुम अपना असली नाम बताना. लेट्स बी लिमिटलेस इतने मतलब. यस प्रखर, डेफिनेटली वेरी गुड प्रखर. एम्पिसिलिन का जीन कौन सा है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन कौन सा है. अब पढ़ रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो पढ़ो ना, आप क्या एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो मुझे ये बताना. आ जाओ पढ़ लेते हैं ना. MCS is what? It should have multiple cloning sites. साथ ही साथ इसमें recognition sequences होना चाहिए, recognition sites, and recognition sites are generally palindromic in nature. Recognition sites कैसी होती हैं? Palindromic nature की होती हैं, है ना? Okay अनु जी, I got your name. अब अनु जी कितनी irregular हैं हम ये भी बताएंगे. रोज आती है अनु जी. Palindromic sequences होते हैं. What are palindromic sequences? Come on tell me. So they should consist of palindromic sequences which can act as restriction sites. Which can act as what? Which can act as restriction sites. Restriction sites. Very good Prakhar. Very good, very good. So vector should consist of a unique target site and recognition site for various restriction enzymes. It can be EcoR1, it can be BAMH1, it can be others too. ठीक है. हाँ सो जो रिकग्निशन साइट्स होती है वो जनरली पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं विच कैन बी रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इन द सेम मैनर. दैट इज 5 to 3 और 3 to 5 मैडम मलयालम है ना. लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट, ये एक ही तरह से स्पेल किया जाएगा है ना. हाँ जब इसका मूंछ होता है ना सर, सही बात है. That same as very from both sides, very good. It should have the capability to incorporate either itself or the DNA insert in the genome of the host. मतलब कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी होनी चाहिए. मतलब कि ये जाकर इंसर्ट हो जाए होस्ट के जीनोम में, नहीं तो ट्रांस जीन को इंसर्ट कर दे. ठीक है ना, नहीं तो ट्रांसजीन को इंसर्ट कर दे. अमोल व्हाट यू आर सेइंग, अमोल यू आर इन विच बैच फॉर अस, अमोल यू आर इन विच बैच एनरोल्ड विथ अस. हाँ ये बताओ मुझे कौन से बैच में एनरोल्ड हो आप. मैंने आपको आइडल वेक्टर की प्रॉपर्टीज नहीं लिखवाई. अगर मैंने आपको बायोटेक पढ़ाया है तो मैंने आपको आइडल वेक्टर की प्रॉपर्टीज नहीं लिखवाई, लिख के दिया है मैंने ये सब कुछ. कैसी बातें बोलते हो, एक दो पन्ने पढ़ो तो सही. जिंदगी में थोड़ी उजाला आएगी, आकांक्षाएं आएगी है ना. ठीक है. October 22 बायोटेक्नोलॉजी में आई हैव टॉट यू वेक्टर्स. वेयर वर यू? यस आई हैव टॉट यू वेक्टर्स. चलो इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, आप फिर से मेरे साथ दोबारा पढ़ लेना. हाँ श्रद्धा बोल रही है, दिया है मैम, लो आपके बैच के स्टूडेंट ही बोल देंगे. ठीक है आपके बैच के स्टूडेंट ही बोल देंगे. ओके चलो ठीक है, सब बच्चे आगे बचाओ मैं, चलो है ना. अमोल आपको लगता है कुछ और भी चाहिए आपको, आप बोल दीजिए, आपको मिल जाएगा है ना. टेंशन मत लो, आपको और क्वेश्चंस चाहिए आप बोलिए तो सही, आपको मिल जाएगा. ठीक है डन. कुछ बच्चे रिजल्ट आना चाहिए, चाहे यूट्यूब पे से पढ़ो आप आईएफएस के साथ है ना. आप सभी से जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, इफ यू फील दैट कि मैम हमें इसमें और नॉलेज चाहिए, यू कैन पिन मी. ठीक है प्रखर, कंटिन्यू लाइक दिस or you go for some specific thing. okay if you want anything be free to ask to us. aapke liye hum nahi karenge to hum kiske liye karenge hai na. theek hai done chalo aa jao. so types of vectors are of two types.
है ना, कौन कौन से दो वेक्टर्स होते हैं, एक तो क्लोनिंग वेक्टर होता है और एक एक्सप्रेशन वेक्टर होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, चलो मुझे ये बताएंगे, अगर क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या डिफरेंस है। क्लोनिंग मतलब मैं होस्ट के अंदर गया, मैंने कॉपी कर ली और मैं बैठ गया। मतलब कि देखो, एक शादी में मम्मी आपको जबरदस्ती पकड़ के ले जा रही है, ठीक है, एक शादी में मम्मी आपको जबरदस्ती पकड़ के ले जा रही है। अब आप शादी में गए, चुपचाप बैठे, खाना खा लिया और बैठे रहे, थोड़ा बहुत बात की नहीं तो नहीं की, यू आर क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो आप बात कर रहे हो, नहीं तो चुपचाप बैठे हुए हो अपनी जगह पे, खाना वाना खा लिया, वो सब नहीं छोड़ते अपन, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन वेक्टर कौन होगा, ठीक है, दैट चलो पहले तो मूड नहीं था पर दोबारा चले गए शादी में, तो देन यू आर डांसिंग डांसिंग सिंगिंग टॉकिंग टू एवरी वन एंजॉइंग दी वेडिंग, दैट इज एक्सप्रेशन वेक्टर। मतलब आप होस्ट में जाकर प्रोटीन बनेगा जिसका, वो एक्सप्रेशन वेक्टर होगा। क्लोनिंग वेक्टर जो होस्ट में जाकर सिर्फ रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी नंबर बनाए रखेगा। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आया क्लोनिंग और एक्सप्रेशन वेक्टर का, सभी को डिफरेंस समझ में आया। हाँ जी, कि एक्सप्रेशन वेक्टर में प्रोटीन एमआरएनए की क्या पॉपुलेशन रहेगी, उससे प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा, उसको उस तरह से डिजाइन किया जाता है। और क्लोनिंग वेक्टर को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, क्लोनिंग वेक्टर को इस बेसिस पे डिजाइन किया जाता है कि आपको क्या करना पड़े, आपको सिर्फ मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बनानी पड़े, ठीक है, ओके, यस, एक्सप्रेस आप प्रोटीन बनाना पड़ेगा, यस, मल्टीपल कॉपीज बनाना पड़ेगा, यस, लेट्स बी लिमिटलेस, गुड, यस, वेरी गुड प्रखर, यस, फाइन, हाँ जी, मैसेज, व्हाट्स योर नेम, एमएसजी, दी नंबर, वेरी गुड अंशिका मिश्रा, वेरी गुड एवरीवन। सो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक क्लोनिंग वेक्टर है, मेरे पास एक एक्सप्रेशन वेक्टर है, दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देयर कैन बी ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेक्टर कॉल्ड एज द शटल वेक्टर, called as what, the shuttle vector, though we do not talk on general basis about shuttle vector, but yes, there is an existence of shuttle vector. Anyone knows about shuttle vector? तो shuttle vector क्या होते हैं, इनमें दो origin होंगे, ये दो different species में देखने मिलेंगे आपको, दो different species में functional हो सकते हैं, कभी ये prokaryote में काम कर रहे हैं, कभी ये eukaryote में काम कर रहे हैं, दोनों में काम चलेगा इनका, ठीक है, they are called as what, they are called as shuttle vectors. ठीक है, क्या बोला जाता है इन्हें, शटल वेक्टर्स, दे कैन रेप्लिकेट और दे कैन बी मेंटेन इन टू डिफरेंट स्पीशीज लाइक प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, अष्टम नायक तुम्हें बहुत पढ़ी रहती है, कौन लड़का कौन लड़का इस लाइव में आया हुआ, चलो पर अच्छा है, नजर रखना चाहिए अपने दोस्तों पे। हाँ जी, एम एस जी, मीनाक्षी, ओके जी, समझ गए हम, सर से क्या काम है मीनाक्षी जी आपको, चलो आ जाओ। तो मैं सबसे पहले आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, क्लोनिंग वेक्टर्स। चलो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, वेक्टर्स, आइडल वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए, कम ऑन एवरीवन, पिन डाउन इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडल वेक्टर, तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताओ, ठीक है, स्पेसिफिक जीन इन टू टारगेट सेल, प्रखर शटल वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू सिस्टम, one can be prokaryotic and one can be eukaryotic, definitely vector will be targeting specific gene into the cell na, yes, no doubt, come on now, ab what are the ideal properties of a vector, everyone in the comment section, koi si teen important property jo aapko abhi tak samajh mein aayi hai, uske baad mein cloning vector, suitable marker, very good, let's be limitless, it should have a selectable marker gene like antibiotic resistance, like tetracycline resistance, जो खुद रेप्लिकेट करे होस्ट में, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सके, एंड मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, वेरी गुड श्रद्धा, ठीक है, ओके मीनाक्षी जी, दैट्स टू गुड, दैट्स टोटली फाइन, आ जाओ, सेल्फ रेप्लिकेट सूटेबल मार्कर, तो मीनाक्षी जी आप पुणे आ गई है ना, फिर तो मोस्ट वेलकम देन, है ना, तो कल 8 बजे आपको पता भी चल जाएगा सर आए या नहीं, ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं अपन, तीर्थुराज कहाँ चले गए थे, हाँ सचिन, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, तो ये कुछ की फीचर्स है ना, ये हमें याद रहने चाहिए, कुछ भी हो जाए हमको याद रहने चाहिए, ठीक है। अब क्लोनिंग वेक्टर्स,
क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है? ये डीएनए की मल्टीपल कॉपी मेंटेन करेंगे। तो ये कैसे होते हैं? दे आर स्टेबली मेंटेन्ड इनसाइड द होस्ट सेल। भाई होस्ट सेल के अंदर, सपोज इफ दिस इज द होस्ट सेल, सपोज इफ दिस इज द होस्ट सेल एंड दिस इज द क्रोमोसोमल डीएनए, सपोज दिस इज द प्लाज्मिड डीएनए, दिस इज द प्लाज्मिड डीएनए, इट इज वेरी वेल मेंटेन्ड इन द सेल, इट इज वेरी वेल मेंटेन्ड इन द होस्ट सेल, इट विल बी नॉट एट ऑल डिस्ट्रप्टिंग द होस्ट, नाइदर इट विल बी हैविंग एनी काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन इट सेल्फ। सो होस्ट सेल में बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे तभी वो रेप्लीकेट कर पाएंगे। ठीक है, हम इसको क्यों यूज करते हैं? टू ऑब्टेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड फॉरेन जीन। हम इसे क्यों यूज करते हैं? टू ऑब्टेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ फॉरेन जीन्स। प्रखर व्हाट यू आर आस्किंग मी? रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। यस बिल्कुल सही बात है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स बोल देंगे उसे अपन प्रखर। एग्जाम्पल क्या है नॉर्मली क्लोनिंग वेक्टर्स के? एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मिड, कॉस्मिड एंड फाजेस, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स लाइक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, है ना? क्वेश्चन पूछा जाता है विच अमंग दी फॉलोइंग इंक्लूड्स दी, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? विच अमंग दी फॉलोइंग इंक्लूड्स वॉट? विच अमंग दी फॉलोइंग विल बी दी एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। तो क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होंगे? प्लाज्मिड्स होंगे, कॉस्मिड होंगे, फाज बेस्ड वेक्टर्स होंगे, बैक भी होंगे, याक भी होंगे। ठीक, और इनमें क्या होता है? इनमें सिलेक्टेबल मार्कर जीन होता है, इनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जो कि एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस कट कर सकती है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस क्या कर सकती है? कट कर सकती है। सो क्लोनिंग वेक्टर बनाना क्यों है? क्लोनिंग वेक्टर इसलिए बनाना है ताकि मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज मिल जाए। व्हाई, व्हाट इज द एम ऑफ मेकिंग अ क्लोनिंग वेक्टर? द एम ऑफ मेकिंग अ क्लोनिंग वेक्टर इज दैट आई कैन गेट द मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट और दी ट्रांस जीन, ऑफ दी जीन ऑफ इंटरेस्ट और दी ट्रांस जीन। नाउ एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स दी प्लाज्मिड, दी कॉस्मिड, दी फाजेस, दी बैक एंड दी याक। ओके, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एक्सटेंसिवली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूटिलाइज किए गए थे, और इन सभी में जो भी क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं उनमें सिलेक्टेबल मार्कर जीन होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होना जरूरी है, जरूरी होता है ना? यस यस अस्तम, ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस चाहिए उन्हें, बिल्कुल सही बात है ना? वो तो यूकेरियोटिक सिस्टम है, तो यूकेरियोटिक सिस्टम में ओरिजिन के लिए हमें क्या चाहिए? ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। डन एवरीवन, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बातें पता चल गई, डन आगे बढ़ जाए, थम्स अप बना दो, एक्सप्रेशन वेक्टर पढ़ लेते हैं अभी, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, है ना? हमें छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, हमें क्या पता होनी चाहिए? छोटी छोटी बातें। एक्सप्रेशन वेक्टर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर यूज्ड टू ऑब्टेन और एनालाइज द जीन प्रोडक्ट विच कैन बी आरएनए और प्रोटीन ऑफ द इंसर्टेड डिजायर्ड जीन, है ना? मतलब हम क्या करवाएंगे? जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी हमारा ट्रांसजीन है, उसका हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? तीर्थुराज सचिन, उसका हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करवाएंगे। तो इसलिए अब देखो, अगर मेरा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मेरा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये मेरा ट्रांसजीन है, तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें मैं कुछ एनहांसर एलिमेंट्स विच पॉजिटिवली रेगुलेट्स रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए वो रखूंगी, एज वेल एज मैं प्रमोटर भी रखूंगी ताकि आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवली इस जगह पर रिक्रूट हो पाए। स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन इसी में होगा, स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन, एज वेल एज अगर मैं बात कर रही हूँ तो कुछ टर्मिनेटर रीजन्स भी होंगे, टर्मिनेटर रीजन्स भी होंगे, है ना? अब देखिए ओरिजिन हाँ होगा, सिलेक्टेड मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होगी होगी, सिलेक्टेबल मार्कर जीन होगा ही होगा, उसको छोड़कर मुझे एनहेंसर भी चाहिए, प्रमोटर भी चाहिए, टर्मिनेटर भी चाहिए, इससे मेरे पास आरएनए बनेगा।
इस आरएनए में अगर मैं देखूंगी तो मेरे पास स्टार्ट कोडॉन भी होगा यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं मेरे पास राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी होगी, यहाँ कहीं मेरे पास स्टॉप कोडॉन भी होगा। तो ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज लेकर चलते हैं हम, है ना। रिस्क एडिटर, जैम और सीयूईटी का पेपर अप्रोक्सीमेटली सेम होता है? नहीं, जैम में मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और डिफिकल्टी लेवल एज कम्पेयर टू सीयूईटी आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का ज्यादा होता है। ठीक है, सीयूईटी इज मच इजियर एज कम्पेयर टू आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर मैं बात करती हूँ तो उसका एक मेजर चंक आईटी जैम बीटी में पूछा जाता है, जबकि बायोलॉजी में कोर बायोलॉजी और इंग्लिश पूछी जाती है ना। यस, काम जरूर आएगा। सेल बायोलॉजी बदल जाएगी क्या? एलेक्सा, सीयूईटी जुलाई जून जुलाई में होना चाहिए। ठीक है, 70% सिलेबस सेम होता है, 70% सिलेबस सेम होता है, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इज डिफरेंट। ओके, हाँ जी बिल्कुल तीर्थुराज, गैट बी विल बी इन मोस्टली इन अप्रैल एंड सीयूईटी पीजी जून जुलाई में। सीयूईटी पीजी की तो अभी एग्जाम फॉर्म्स का भी फिलिंग होगा ना तब। ठीक, तो अब ये सब कुछ चाहिए, तो एक्सप्रेशन वेक्टर में आपको क्या क्या चाहिए? एक्सप्रेशन वेक्टर में जनरली प्रमोटर को जो यूज किया जाता है वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर यूज किया जाता है, लाइक कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस का, लाइक कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस का प्रमोटर यूज किया जाता है। कैसा यूज किया जाता है? एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर यूज किया जाता है। एवरीवन, किस तरह का प्रमोटर यूज किया जाता है? स्ट्रॉन्ग प्रमोटर यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज दी एक्सप्रेशन वेक्टर। ठीक, क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर में डिफरेंस समझ में आया ना। चलो अब मैं बात कर लेती हूँ शटल वेक्टर की। तो शटल वेक्टर इज क्रिएटेड टू रेप्लिकेट इन सेल ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सपोज एक प्रोकैरियोटिक सेल में भी वो एक्सप्रेस हो सकता है, एक यूकैरियोटिक सेल में भी वो एक्सप्रेस हो सकता है। तो मैंने अगर एक शटल वेक्टर बताया है तो उसमें ओरिजन ORIC भी होगा और ARS भी होगा, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सिक्वेंसेस, तभी वो प्रोकैरियोट्स में भी रह सकता है एज वेल एज यूकैरियोट में भी ले सकता है। अमोल, अमोल जी आप क्या पूछ रहे हो? सेल बायोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन सीयूईटी और नॉट, बिकॉज सेल बायोलॉजी इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस। आपको क्रोमैटिन स्टडी मेंशन्ड है? लाओ अभी मैं आपको सिलेबस पढ़ के बता देती हूँ, 2 मिनट रुको, 2 मिनट दो मुझे, मैं अभी आपको सिलेबस पढ़ के बता देती हूँ। अमोल ऐसा नहीं चलेगा ना, सेल बायोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप बोल रहे हो कि वो सेल वो आपको इसमें ही अवेलेबल नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा बाबा। सारा कुछ मेंशन्ड है, सारा कुछ मेंशन्ड है। चलो अभी मैं बता देती हूँ, खुल जाने दो, कौन सा सेक्शन पे मेंशन्ड है ये बता देती हूँ मैं। ठीक है, हाँ फिर ऐसे कैसे नहीं, ये तो हमने पढ़ा है और आप बोल रहे हो मेंशन नहीं है, ऐसे कैसे चलेगी गाड़ी। सब कुछ मेंशन है, RDT है या नहीं? हाँ टेक्निक्स में इंक्लूडेड है RDT। थोड़ा सा ना हमें टॉपिक वाइज जाना होगा, थोड़ा सा हमें कैसा जाना होगा एवरीवन, टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं चलेगा ना कि हमने समझ लिया और चीजें हो जाएगी, नहीं बाबा ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं अभी तो हाल फिलहाल के लिए, आगे बढ़ जाएं अभी हाल फिलहाल के लिए। चलो कंप्लीट सिलेबस खुल गया है। क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सीरियल नंबर 2, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सीरियल नंबर 2। हाँ ये है, बिल्कुल सही बात है, मेंशन्ड है। चलो बढ़िया बढ़िया, हाँ आ जाओ इधर। तो इनमें दो ओरिजन होते हैं, एक किसका होता है? होस्ट स्पीशीज, ऑल्सो दीज जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर देयर रेप्लिकेशन विच इज नॉट प्रोवाइडेड बाई दी होस्ट सेल। ठीक है, एक और बार बता देती हूँ श्रद्धा, आ जाओ स्क्रीन पे देखो, शटल वेक्टर किसको कहा जाता है? शटल मतलब क्या? शटल बस सर्विसेस को बोला जाता है। शटल मतलब क्या है? शटल किसको बोला जाता है? शटल बस सर्विसेस को बोला जाता है। शटल आर टोटली रेफर्ड टू एज दी बस सर्विसेज, भाई एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है। तो शटल वेक्टर मतलब क्या? शटल वेक्टर मतलब कि वो प्रोकैरियोटिक होस्ट एज वेल एज यूकैरियोटिक होस्ट दोनों ही होस्ट में मेंटेन रह सकती है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि
इसमें बैक्टीरिया का भी ओरिजिन होगा एज वेल एज यूकैरियोटिक का भी ओरिजिन होगा, एज वेल एज यूकैरियोटिक का भी ओरिजिन होगा। अष्टम नायक और तीर्थुराज, क्या बात बोली है। सेल बायोलॉजी इंजन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पेट्रोल है, आरडीटी क्या है फिर? आरडीटी क्या है, टेक्निक्स क्या है? बढ़िया, समझ में आया तीनों वेक्टर? श्रद्धा क्लियर डियर? श्रद्धा डन? चलो डन हो गया सबका। बायोकेमिस्ट्री इज वायरिंग, ग्रेट, दैट्स नाइस। आ जाओ, तो सीयूईटी पीजी का बैच स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी से, 20 फरवरी 2023 से। आपके पास अभी भी 4 से 5, 4 मंथ्स हैंड में है, आप आराम से 3 to 4 मंथ्स हैंड में है, आप आराम से एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं। सो एक एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट हो रहा है, रिकॉर्डेड कोर्स जिसमें अवेलेबल है, लाइव कोर्स, लेक्चर सीरीज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है सीयूईटी का एट आईएफएस प्लेटफॉर्म। अच्छा ओके, चलो डन डन डन, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है। तो सीयूईटी पीजी 23 को जो भी टारगेट कर रहे हैं, एंड इफ दे आर सर्चिंग फॉर एनीथिंग, लाइक किसी को यही नहीं पता है क्या क्या है सब्जेक्ट में, एक बार सिलेबस तो खोल लो भाई मेरे। चलो पढ़ें, ठीक है? तो मैंने क्या क्या पढ़ लिया है, मैंने क्लोनिंग वेक्टर देख लिया, मैंने एक्सप्रेशन वेक्टर देख लिया, मैंने शटल वेक्टर देख लिया, ठीक है? डन 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 डन। अब आगे मैं देखती हूँ कि क्लोनिंग वेक्टर कितने तरह के हो सकते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स आर जनरली प्लाज्मिड्स। What are plasmids, everyone? What are plasmids? Yes, they can be plasmids. Extra chromosomal DNA, which is naturally found, extra chromosomal DNA, extra chromosomal DNA, naturally found in some bacteria and few eukaryotes. They can have selectable marker gene, they can have sub-restriction endonuclease site, they provide an extra ability to the bacteria. And a double stranded covalently closed circular DNA hota hai. Very good Amol. Yes, very good. Okay. Sayyed Izhar ji, CSIR matlab ki CSIR ki committee mere paas to nahi aayi ki hum जून में एग्जाम फॉर्म रिलीज करेंगे, पर स्टिल उनने जो ट्वीट किया था ना उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं मई तक उसके फॉर्म्स आने चाहिए, मई के पहले ही, ठीक है? वेरी गुड श्रद्धा। यस यस, बिल्कुल सही बात है ना, सबने सच 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 बोल दिया। व्हाट आर बैक्टीरियोफाजेस? चलो अब नेक्स्ट बैक्टीरियोफाजेस की बात कर ले। व्हाट आर बैक्टीरियोफाजेस? बैक्टीरियोफाजेस, व्हाट आर फाजेस फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ जी, व्हाट आर फाजेस फर्स्ट ऑफ ऑल? सैयद पढ़ाती रही हूँ। ओके अनमोल, गुड अनमोल, बस थोड़ा सा रिवीजन कर लो, आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है? क्विकली, डेफिनेटली सैयद, आई विल ट्राई, ठीक है? बैक्टीरिया टाके, एलेक्सा कैटी किथे, नाम तो ऐसे रखा है एलेक्सा जी ने, एलेक्सा जी, एलेक्सा से पूछ लीजिए बैक्टीरिया फाज क्या है, बैक्टीरिया जो फाज को मार दे या फाज जो बैक्टीरिया को मार दे। ओके सैयद, ओके ओके, आई विल ट्राई, ओके डेफिनेटली, मैनी स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी आई विल डेफिनेटली ट्राई, ठीक है? अभी तो पढ़ लो यहाँ पर मुझसे, है ना? आ जाओ, कौन से बैच में हो तुम? हाँ ये और बता दीजिए। ओके, तो बैक्टीरियोफाजेस आर व्हाट? वायरस पार्टिकल्स दैट कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरस पार्टिकल्स दैट कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। That can infect bacteria are called as bacteriophages.
ठीक है, ओके, है ना। अब देखिए, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है फिर, ये बताओ। चलो अब, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है? आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स? अमोल, वेरी गुड। इमोशन बैच में ग्रेट सैयद, डेफिनेटली आई विल कम इन इमोशन बैच। ओके, डन। हाँ, आ जाओ इधर। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होते हैं? आर्टिफिशियल मतलब हमने उन्हें रिसेम्बल करा है ना, हमने रिसेम्बल करा है। देखो, जैसे हम क्या है, हमारे पास अगर नेचुरली कोई सब्सटेंस मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं किसी किसी पार्ट्स को जोड़कर बना रही हूँ तो आर्टिफिशियली मेड है, ठीक है। सो दे आर असेंबल्ड वेक्टर्स, दे आर व्हाट? दे आर असेंबल्ड वेक्टर्स, यस, दे आर असेंबल्ड वेक्टर्स, दे आर मेड इन विट्रो, दे आर नॉट नेचुरली अकरिंग। हर एक एक पार्ट हर जगह से लेकर आए, जोड़ के हमने एक नया वेक्टर बनाया है, ठीक। वेरी गुड एवरीवन। सो अब क्लोनिंग वेक्टर्स में सबसे पहले हम प्लाज्मिड की कहानी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? प्लाज्मिड वेक्टर की, ठीक। चलो, प्लाज्मिड क्या है? नेचुरली अकरिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये तो हम सभी को पता है। तो ऐसी क्या बात है जो हमें नहीं पता है? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए होता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये रेप्लिकेट कर सकता है ऑटोनॉमसली विद इन द बैक्टीरिया, इसलिए तो हम इसे ऐसा वेक्टर यूज कर रहे हैं। वेक्टर की आइडल प्रॉपर्टी ही ये है, ठीक है। यस प्रखर, वेरी गुड, है ना। वेक्टर की आइडल प्रॉपर्टी ही ये है कि वो बैक्टीरिया के अंदर जाकर रेप्लिकेट करे। इसके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओआरआईसी, बैक्टीरिया में मिल रहा है ना, तो इसके पास ओआरआईसी होता है। प्लाज्मिड वेक्टर्स सिंपलेस्ट होते हैं, ये क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं और मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग इज प्लाज्मिड। क्या है एवरीवन? इट इज प्लाज्मिड। चलो पढ़ लेते हैं ना, मजाक हो गया हो तो। तुम जो मैं बातें बता रही हूँ ये अपने दिमाग पे जरूर लो, पेपर में आती हैं, ठीक है। दिल पे ना लो, दिल पे ज्यादा चीजें नहीं लेती हैं, पर दिमाग पे ये बातें जरूर तुम्हारे घर कर जानी चाहिए कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड वेक्टर, दैट इज व्हाट? प्लाज्मिड। वेरी गुड अमोल, इट शोज सिग्मा रेप्लिकेशन। हाँ ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आ गए तीर्थुराज से, तो वेरी गुड वेरी गुड। अब भाई, प्लाज्मिड वेक्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। प्रखर, इंटरजेनिक सीक्वेंस कहाँ आएंगे, कौन से वेक्टर में आएंगे, कितने दूर चले गए तुम? रुको जरा, सबर करो ना, आने तो दो M13, आने तो दो M13। प्लाज्मिड में कहाँ आईजी सीक्वेंसेस आएंगे? ना ना, इट कंटेन्स, तो ये एक अगर प्लाज्मिड है, ये अगर एक प्लाज्मिड है तो यहाँ पे ओ आर आई साइट है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ओरी साइट। इसमें सिलेक्टेबल मार्कर जीन प्रेजेंट होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है? हो सकता है दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। अगर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं प्रेजेंट है तो हम लैगजेट सिस्टम यूज करके इसे बना सकते हैं। मल्टीपल क्लोनिंग साइट हो सकती है, बाम H1, इको आर वन, बाम H1, इको आर वन, कुछ ऐसे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हो सकती हैं। ये होस्ट सेल से इजीली आइसोलेट हो सकता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? PBR322 और PUC1819। द मोस्ट कॉमनली यूज प्लाज्मिड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज PBR322। वॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। चलो, वॉट आर द मोस्ट कॉमनली यूज प्लाज्मिड?
दे आर दी PBR 322 एंड PUC 18 एंड 19। अब इनका नामकरण ऐसे क्यों पड़ा? हाँ अष्टम, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब इनका नाम हमने ऐसे क्यों रखा है ना, जैसे अब देखो अष्टम नायक का नाम अष्टम नायक क्यों रखा है ना, कोई तो रीजन होगा ना। वैसे ही PBR 322 का नाम PBR 322 क्यों रखा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम प्रतीक्षा है, तो मेरा नाम मेरे मम्मी पापा ने प्रतीक्षा क्यों रखा? बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे वो मेरी, तो रख लिया प्रतीक्षा। सिमिलरली PBR 322 को PBR 322 क्यों नामकरण करा? तो नामकरण को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नामकरण को हम क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। जयश्री पढ़ रहे हैं डिस्कवरी और लोकेशन पे, है ना, डिस्कवरी और लोकेशन पे। जयश्री PBR 322 का क्या साइज है, PUC 18 19 का क्या साइज है, अभी पढ़ रहे हैं, है ना। जो एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग साइज पढ़ेंगे, ठीक है। वेरी गुड तीर्थु। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, PBR 322 का 4361 बेस पेयर है। वॉट इज द साइज ऑफ PBR 322? इट इज 4361 बेस पेयर, कुछ दिख रहा है आपको? सो इट इज वन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर्स टू बी डेवलप्ड बाय बॉलीवर एंड रॉड्रिगुज। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पी फॉर प्लाज्मिड, बी फॉर बॉलीवर, आर फॉर रॉड्रिगुज, और 322 इज द नंबर ऑफ एंजाइम विच इज आइसोलेटेड, ठीक है, उस स्ट्रेन में से, है ना। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, वेरी गुड अंशिका। अस्तम अभी तक तुमने पूछा नहीं। हाँ 4361 बेस पेयर्स से ये बना होता है। 1977 में इसको फिगर आउट किया गया था। अब इसमें देखो कितनी सारी क्लोनिंग साइट्स है, कितनी सारी क्लोनिंग साइट्स है ना, राइट फ्रॉम बाम H1, इको R1, हिंड 3, बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स है। और PBR 322 वेक्टर 4361 बेस पेयर्स क्या है इसका, जीनोमिक साइज है। आगे बढ़े। अब तो देखो इसका नामकरण कैसे किया गया, पी फॉर प्लाज्मिड, बी फॉर बॉलीवर, आर फॉर रॉड्रिगिज। 322 क्या है, डिफरेंशिएट इट फ्रॉम दी अदर प्लाज्मिड प्रोड्यूस इन दी सेम लेबोरेटरी। उसी लेबोरेटरी में और भी प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होंगे, तो उनमें से जैसे उस लेबोरेटरी में 325 भी बना है, 327 भी बना है, तो 322 भी बना है ना। अष्टम, यू बिलोंग टू अ टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड, बात बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। हाँ, श्रुति सिंह किस बात के लिए जीनियस थे? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, है ना। यस सीक्वेंस ऑफ सिंथेसिस, वेरी गुड असैया अरवा, चलो डन। तो हमने प्लाज्मिड में कौन कौन से एग्जाम्पल देखेंगे, हम दो एग्जाम्पल देखेंगे, कौन कौन से, हम एक देखेंगे PBR 322 और एक देखेंगे PUC। अब PBR 322 में क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो 4361 बेस पेयर लॉन्ग, इट कैरीज टू सेट्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलीन और टेट्रासाइक्लीन। कौन कौन सी रेजिस्टेंस जीन होती है इसमें, एम्पिसिलीन। मतलब अगर आपको एम्पिसिलीन और टेट्रासाइक्लीन एक वेक्टर में दिख रहा है, मतलब वो क्या हो सकता है, PBR 322। क्या हो सकता है एवरीवन, दैट कैन बी PBR 322। इट कंटेन्स सिंगल और यूनिक रिकग्निशन साइट्स फॉर 12 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इंक्लूडिंग PST1, SAC1, PUV1, PVU1, ठीक है, PVU1, ठीक है। मैम आपके रिकॉर्डेड कोर्स में दो जगह बायोटेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट है ऐप पर, तो फॉलो कौन सी करें? जो मैंने पढ़ाई है, मुझसे पढ़ने से इच्छा हो रही है तो वो फॉलो कर लीजिए। अगर दोनों मैंने पढ़ाई है तो जो सबसे रिसेंट पढ़ाई है वो फॉलो करिए, है ना। हाँ सही बात है। ओके ओके चलो ठीक है योगेश जी। तो यहाँ पे बहुत 12 डिफरेंट तरह की रेस्ट्रिक्शन साइट्स है भाई। अब हम आते हैं PUC 18 19 पे। चलो PBR 322 के कमेंट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो जल्दी 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 जल्दी। PBR 322 का साइज, उसमें कौन कौन से सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स होते हैं, और
ये किस तरह का इंपॉर्टेंट वेक्टर है? चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे सभी लोग, है ना? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी, विदाउट एनी डिले। ओके आ जाओ इधर। PUC 18 19, PUC 18, PUC 19, ठीक है? चलो, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ PBR 322, मच स्मॉलर, अराउंड 2.7 KB। वो कितना था? 4361, ठीक। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है इसमें, इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है जिसे BLA जीन बोलते हैं। वॉट डज BLA एनकोड फॉर? यस, वेरी गुड श्रद्धा। वॉट डज BLA एनकोड फॉर बताओ? BLA किसके लिए एनकोड करता है? जी अष्टम, बिल्कुल। इसमें कोल इवन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, PUC में कोल इवन कॉस्मेट का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इतना ही अराउंड बेस पेयर्स लॉन्ग होता है ये, ठीक है? सो PUC 18 19, इसका नामकरण किस हिसाब से हुआ ये बस डिस्कस करेंगे। चलिए, BLA जीन विच कॉन्फर्स रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, इट एनकोड्स व्हाट? इट एनकोड्स व्हाट एवरीवन? अष्टम, बीटा लैक्टमेजेस, वेरी गुड। इट एनकोड्स व्हाट? इट एनकोड्स बीटा लैक्टमेजेस, यस प्रखर, वेरी गुड। इट इज एनकोडिंग बीटा लैक्टमेजेस, एनकोड्स बीटा लैक्टमेजेस। ये बात नहीं है जिसे नहीं पता थी, नोट डाउन करेंगे ना मेरे साथ? ये बात नहीं है जिसे नहीं पता थी वो नोट डाउन करेंगे मेरे साथ, ठीक है? BLA जीन बीटा लैक्टमेजेस, तो ये एनकोड करता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, इसी से प्रोवाइड होता है। गुड, आगे बढ़ जाएं। अब देखो, ये वेक्टर ऐसा दिखता है, P फॉर प्लाज्मिड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, 1819, नंबर ऑफ एंजाइम जो बनी। अब इसमें क्या है? इसमें ओरिजन है। अब देखिए, इसमें ये है ओरिजन, ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन, और यहाँ पे हमने लैगजेड जीन डाल दिया। लैगजेड जीन किस में हेल्प करेगा? स्क्रीनिंग में। लैगजेड जीन को हम क्या बोल सकते हैं? लैगजेड जीन को हम क्या बोल सकते हैं? हाँ जी, क्या बोल सकते हो? दिस इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर जीन। इसे क्या बोला जा रहा है? इसे बोला जा रहा है सिलेक्टेबल मार्कर जीन। इसे क्या बोला जा रहा है? लैगजेड जीन को। इसे क्या बोला जा रहा है? लैगजेड जीन को बीटा लैक्टमेजेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस है वो। अष्टम, अष्टम नायक, बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस और बीटा लैक्टमेजेस में डिफरेंस होगा ना, है ना? आया ना? नहीं श्रुति जी, नहीं हुई आज, विशाल सर की क्लास नहीं हो पाई, ठीक है? वेरी गुड त्रितुराज, इट विल बी रिपोर्टर जीन, इट विल बी एक्टिंग एज रिपोर्टर जीन एंड इट कैन बी इजिली स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, ठीक है? यस, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वेरी गुड। और यहाँ पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं इन डिफरेंट तरह की एंजाइम्स की, इन डिफरेंट तरह की एंजाइम्स की, ये इसका साइट है, ये ओरिजिन है जो कोल इवन प्लाज्मिड से लिया गया है, ठीक है? पता रहता है हमको भी थोड़ा बहुत, विशाल सर की आज क्लास नहीं हुई है, ठीक है? चलो, तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने कौन कौन से वेक्टर पढ़ लिए? हाँ, एक्सगैल और IPTG को यूज कर लेते हैं हम, ठीक है? चलो, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा पहले प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में हमने दो दो चीजें पढ़ी, PBR 322 और PUC। क्या क्या पढ़ा? PBR 322 और PUC। अब हम देख रहे हैं कॉस्मिड वेक्टर्स। अब हम क्या देख रहे हैं एवरीवन? वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉस्मिड वेक्टर्स। What we are discussing about everyone? ठीक है, एक्स गैल तो ब्लू बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेस, यस प्रखर। हु विल इंड्यूस एक्स गैल? हु विल इंड्यूस एक्स गैल?
हु विल इंड्यूस एक्स गर्ल, कौन इंड्यूस करेगा, बताओ। एंड चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इट इज अ टाइप ऑफ अ हाइब्रिड प्लाज्मिड, इसमें लैम्डा फेज की कॉस्टाइट होती है। अब देखो लैम्डा फेज क्या है, इधर देखिए, लैम्डा फेज प्रोटीन कोटिंग हेड और टेल होगा उसके पास ऐसा कुछ, और इसमें लीनियर डीएनए होता है जिसमें 3 प्राइम ओवरहैंग्स होते हैं। दीज 3 प्राइम ओवरहैंग्स आर कॉल्ड एज कॉस्टाइट्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज कॉस्टाइट्स व्हेन दिस फेज इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया, द लीनियर क्रोमोसोम व्हेन गोज इन टू द बैक्टीरिया इट गेट्स सर्कुलराइज्ड, इट गेट्स सर्कुलराइज्ड। सो कॉस्मिड्स आर कॉस्टाइट्स प्लस प्लाज्मिड, इट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, कॉस्टाइट्स प्लस प्लाज्मिड, है ना। नई तेतु आईपीटीजी बाबा। एक्स गैल क्या है, एनालॉग ऑफ लैक्टोज, तो लैक्टोज का एनालॉग यूज करते हैं हम, दैट इज आईपीटीजी। अरे बाबा ऐसा कैसा चलेगा, एक्स गैल किसके साथ दोस्ती रखता है, एक्स गैल एंड आईपीटीजी पढ़ते हैं ना हम। और ये किसको ब्रेक करेगा, लैक्टोज को, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। ना 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 ना, लैक्टोज कैसे बोल दिया प्रखर आपने। एक्स गैल किसके साथ दोस्ती रखता है, जब भी हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग करते हैं तो कौन साथ में रहता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं हम पढ़ लेंगे, है ना। चलो स्टे कनेक्टेड एवरीवन। कॉस्मिड्स आर व्हाट, कॉस्टाइट्स प्लस प्लाज्मिड। व्हाट आर कॉस्टाइट्स, दीज आर दी कॉस्टाइट्स, दी ओवरहैंग्स प्रेजेंट इन दी फास्ट डीएनए, दी 3 प्राइम ओवरहैंग्स प्रेजेंट वेयर इन दी फास्ट डीएनए, द जीनोमिक साइज ऑफ कॉस्मिड इज अबाउट 32-52 KB। कितना होता है, 32-52 KB, कितना होता है एवरीवन, इट इज 32-52 KB। डन, आगे बढ़े, हाँ ना, आगे बढ़े या नहीं। तो कॉस्मिड में कॉस्टाइट्स होती हैं, कॉस्मिड में क्या होती हैं, कॉस्टाइट्स होती हैं, दे हैव अ सूटेबल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देन दे कैन रेप्लिकेट एज प्लाज्मिड। इसके एग्जांपल हैं SP40 ओरिजिन या कोलीवन का ओरिजिन हो सकता है इसमें, ठीक है। इसमें सिलेक्टेबल मार्कर जीन होता है एम्पिसिलिन, और कोलिंस एंड हॉन्स इन 1978। चलो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, पता था आपको ये, चलो कमेंट में डालो ये, किसने कॉस्मिड बनाया सबसे पहली बार, कमेंट में डालिए, सबसे पहली बार कॉस्मिड को किसने डिस्क्राइब करा, कमेंट में डालिए सभी लोग। हाँ जी, कॉस्मिड को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब करा, कॉलिंस एंड हॉर्न, कम ऑन एवरीवन। बताओ जरा आस्तम, सबसे पहले तुम्हारा कमेंट मिलना चाहिए मुझको। चलो श्रद्धा बताओ, जल्दी जल्दी मंटू बताइए क्या है मंटू। कोलिंस एंड हॉर्न इन 1978 दे वर द फर्स्ट वन टू डिस्क्राइब कॉस्मेट्स, दे वर द फर्स्ट वन टू डिस्क्राइब होम कॉस्मेट्स, है ना। हमें ध्यान रहना चाहिए कॉस्मेट क्या है, इसमें और प्लाज्मिड है और इसमें कॉस्टाइट से फाज की, क्या है इसमें, कॉस्टाइट से फाज की, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट कर लिया है, हमने कॉस्मिड वेक्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फाजमिड वेक्टर। अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगी, फाजमिड वेक्टर, जो कि हम कल पढ़ेंगे, जो कि अब हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम यहीं रुकेंगे, आज के लिए हम क्या करेंगे, यहीं रुकेंगे। कल हम किससे स्टार्ट करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे फाजमिड वेक्टर से। तो कल आपको ऑन द टिप ऑफ योर टंग्स, व्हाट इज प्लाज्मिड, व्हाट इज पीयूसी, व्हाट इज पीबीआर, व्हाट इज कॉस्मिड, व्हाट इज द साइज ऑफ ईच, यू शुड नो दिस, ओके। चलो मजा आया आज की क्लास में, आया ना, पहले तो ये बता दो चीजें ध्यान कैसे रखेंगे, बार बार रीड करोगे चीजें अपने आप ध्यान रह जाएगी, ठीक है ना। बचपन में शक्तिमान आता था याद है,
बचपन में शक्तिमान आता था। याद है ना सभी को, शक्ति शक्ति शक्तिमान। तो डोरेमोन का गाना आपने पर्पसली याद किया क्या? अनोइंगली ही आपको धीरे धीरे वो चीजें याद रह गई। तो आप जैसे जैसे रिवाइज करोगे, आपको बातें हमेशा ज्यादातर याद रह जाती हैं। ठीक है, सो आराम से खाइए, सोइए, काफी नींद लीजिए और टाइम के अनुसार पढ़ते रहिए। एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। लेट्स मीट टुमारो एट 7। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। एनी डाउट्स एनीवन? चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच सैयद इजार। थैंक यू।